ग्वालियर पुलिस ने चेकिंग के दौरान भोपाल में रिटायर्ड एसडीओ के घर हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी से लाखों की नकदी सहित जेवर बरामद किया है। इसके बाद मामले की जानकारी भोपाल पुलिस को दी गई, जहां ग्वालियर पहुंची भोपाल पुलिस ने आरोपी को अपनी अभिरक्षा में लिया है। दरअसल ग्वालियर में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में जगह जगह चेकिंग लगाई गई थी, जहां थाटीपुर थाना पुलिस ने भी थाटीपुर इलाके में रोज की तरह चेकिंग अभियान लगाया है। इस दौरान पुलिस को बाइक सवार एक युवक आता दिखा, जिस पर संदेह होने पर पुलिस ने उसकी जांच पड़ताल की तो युवक के पिट्ठू बैग से लाखों रूपये नकदी और जेवर बरामद हुआ है, जिसको लेकर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी युवक ने बताया है कि उसका नाम दीपक यादव है। वह शिवपुरी के खनिया थाना का रहने वाला है। वह भोपाल के चूना भट्टी थाना क्षेत्र निवासी रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी के एसडीओ के घर पर काम करता था और उन्हीं के घर से नकदी सहित जेवर चोरी करके भागा है, जिसके बाद ग्वालियर पुलिस ने आरोपी से 17 लाख की नकदी और जेवर सहित 38 लाख का माल बरामद किया और घटना की जानकारी भोपाल के चूना भट्टी थाना पुलिस को दी है। सर ये देखिए, पहला जो मामला है उसमें थाटीपुर पुलिस को सफलता मिली है। थाना प्रभारी थाटीपुर महेश शर्मा जी की रूटीन की पुलिस चेकिंग थी। चेकिंग के दौरान ये संज्ञान में आया है कि एक युवक है जो पीठ पे एक बैग लगा के जा रहा है और उस पर मोटरसाइकिल पे है। गाड़ी को चेक किया गया और उसको जब बैग को चेक किया गया तो बैग में बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। 17.5 लाख के लगभग कैश बरामद हुआ है और उतनी ही ज्वेलरी बरामद हुई है। टोटल ये जो मुचलका है 35 से 38 लाख का है। जब उससे प्राइमरी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये जो कैश और ज्वेलरी है उसने भोपाल के चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में ये चोरी घटना की है। ये वहाँ पे जो इसका मालिक था उसके यहाँ नौकरी करते थे और नौकरी करने के दौरान इनको वहाँ पता लगा कि घर में इतना बड़ा कैश और ज्वेलरी है, तो कैश और ज्वेलरी की चोरी करके वो फरार हो गया। ये व्यक्ति दीपक यादव है, जो कि खनिया थाना शिवपुरी का रहने वाला है। यहाँ पर ये किसी मकान की तलाश में आया हुआ था और यहाँ पे मुझे लगता है कि वो फरारी काटता। तो ये बहुत ही पुलिस की जो सतर्कता है, जो चेकिंग है, उसके दौरान एक बड़ी सफलता मिली है। भोपाल पुलिस को सूचित कर दिया गया है, वो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से पूरे सीजर को अपने केस में शामिल करेंगे। किसके यहाँ ये चोरी की थी, कौन है? अभी वो सारे फैक्ट्स हम भोपाल पुलिस से पता कर रहे हैं। वो रिटायर्ड उसके पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, उनके यहाँ ये काम करता था, वहीं चोरी की गई। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।